नमस्कार, शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हरी मिर्च हमारे लिए कितनी फायदेमंद है और कितनी ही नुकसानदायक है। अक्सर होता क्या है कि खाना जब हम खाते हैं और खाने के अंदर अगर हरी मिर्च साथ में ना हो तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे आज कुछ स्वाद में कमी रह गई है, खाना कुछ मजेदार नहीं लगता है। कई तरह के रंगों में आती है, लेकिन हरी मिर्च का अपना ही एक कमाल है, क्योंकि ये अगर दाल में तड़के के साथ डाल दो या सब्जी में तड़के के साथ डाल दो तो ये आपको और ज्यादा स्वाद बना देती है चीजों को, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी मौजूद है, विटामिन के इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से है, जो आपकी सेहत के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट है। ये बाहर से आने वाले संक्रामक रोगों को दूर करने की हिम्मत रखता है। इसके अंदर बहुत फायदा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। हार्ट की जो धमनियां हैं उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उसको खत्म करती है और उससे आपको हार्ट डिसीज होने की, ये दिल का दौरा पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपका वजन घटाने में बहुत मदद करता है ये, क्योंकि तीखा है, तीखा खाने से आपके शरीर के अंदर की कैलोरी जलती है और आपके मेटाबॉलिज्म के स्तर को जो है बहुत ऊंचाई तक लेके जाता है। इससे आप ये मान के चले कि अगर आप एक मिर्च रोज खाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, इवन फायदा ही फायदा है, और आपके बीपी को, आपके रक्तचाप को कंट्रोल में करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि कम तेल का खाना खाइए। कम तेल का खाना खाने से आपका रक्तचाप जो है नियंत्रण में रहता है और जिसको बीपी की शिकायत है उसको हरी मिर्च अपने खाने में शामिल करनी चाहिए, उससे उसका संतुलन जो है बना रहता है। आंखों के लिए विटामिन सी बहुत ज्यादा इसके अंदर मिलता है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। आप अगर इसका सेवन करते हैं तो आपकी आंखें बहुत अच्छी रहती हैं, आपकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी रहती है। इवन आप ये मान के चलिए कि विटामिन सी आपकी आंखों को तो अच्छा रखता ही रखता है, हरी मिर्च जो है आपके दिमाग को भी अच्छी रखती है। अगर आप हरी मिर्च को खाते हैं तो इससे आपके दिमाग की मनोदशा में बहुत अधिक सुधार होता है और आप अपने आप को खुश महसूस करते हैं, आपकी त्वचा में ग्लो आता है। आप हरी मिर्च खाना शुरू कर दीजिएगा। विटामिन सी और ए जो है आपकी त्वचा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए इतना गुणकारी है कि पूछिएगा नहीं। अगर आप रेगुलर खाने के साथ एक मिर्च रोज खाने लगेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा है, लेकिन आपको हरी मिर्च का एक संतुलन बना के रखना है। किसी भी चीज का नुकसान और फायदा दोनों है। ये त्वचा के इन्फेक्शन को भी दूर करता है, लेकिन सबसे बड़ा कमाल यह है कि ये प्रतिरोधक है। बीमारियों को बहुत जल्दी आपके आसपास नहीं आने देता, रोगों से लड़ने की हिम्मत पैदा करता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होता है, और हड्डियों और दांतों को भी ये मजबूत बनाता है। तो आपको एक हरी मिर्च तो कम से कम खाने के साथ अपने लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप इसका सेवन बहुत अधिक मात्रा में करते हैं तो आपके पेट में जलन होने लगती है, आपकी एसिडिटी को बढ़ाता है, आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका मेटाबॉलिज्म बैलेंस नहीं रह सकता है, और आप ये मान के चलिए कि आपके पेट में अल्सर होने की भी संभावना हो सकती है, जिसकी वजह से जलन और चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है। और हरी मिर्च अधिक सेवन से मधुमेह जो है वो, डायबिटीज जो है वो सामान्य से नीचे आ जाता है। अतः मधुमेह रोगी को मधुमेह की दवा जो ले रहे हैं वो लोग हरी मिर्च का सेवन अधिक नहीं करें। इसका मतलब ये है कि जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो अगर हरी मिर्च का उपयोग करता है, जी हाँ, करना क्या है आपको, दो हरी मिर्च रात को आप पानी में भिगो दीजिएगा और सुबह उसका पानी पी लीजिएगा। ऐसा आप महीना दो महीना कीजिएगा, आपको धीरे धीरे आपकी डायबिटीज के अंदर आराम आना शुरू हो जाएगा। तो कितनी गुणकारी है हरी मिर्च आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए, और इस आनंद लीजिए इस गुण का
इस ज्ञान का आनंद लीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार भी बनाए रखिएगा और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लाइक्स का, आपके शेयर और टिप्पणियों का इंतजार रहता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।